ठीक है जी जी, तो चलिए देखिए, ये सबकी ख्वाहिश होती है कि हमेशा जवान रहें, फॉरएवर यंग, है ना, ये तो एक बहुत नेचुरल सी बात है। सो एंटी एजिंग क्रीम मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ, बहुत ही इजी है और हलीम के इंग्रेडिएंट से, जिसके अंदर मैं चने की दाल का पेस्ट लूंगा और गेहूं लूंगा, तो आपको ये बड़ी अच्छी एंटी एजिंग मिलेगी। इसका नाम ही बेस्ट एंटी एजिंग क्रीम है। बी से है बेसन एक चम्मच, ई से इवनिंग प्रिमरोज। अच्छा, इवनिंग प्रिमरोज ये कैप्सूल्स अवेलेबल है मार्केट में, इसका आपको लिक्विड लेना है 4 अदद, ठीक है। एस से स्पून ऑफ चने की दाल का पेस्ट। अच्छा, इवनिंग प्रिमरोज तो खाते भी हैं। बिल्कुल, आप सही कह रही हैं, खाते भी हैं जी, इस पे लगाना है। अच्छा, इवनिंग प्रिमरोज सिर्फ फीमेल्स के लिए होता है खाने के लिए, लेकिन ये लगाने के जो एंटी एजिंग भी क्रीम बता रहा हूँ आपको, ये दोनों यूज कर सकते हैं, मेल फीमेल्स दोनों, ठीक है। और आखिरी में टी स्पून ऑफ गेहूं या वीट, ये भी हमारे उसमें आता है इंग्रेडिएंट्स में, तो मैं आपको बना के दिखाता हूँ अभी। बी से है बेसन एक चम्मच, ठीक है। अच्छा, इवनिंग प्रिमरोज देखिए ऐसे आता है मार्केट में, ये ईव प्रो के नाम से भी है, रोजविल है, ईपो प्लस के नाम से आपको मिल जाएगा। इसका फ्लूइड आपको निकालना है, जो मैं निकाल के रखा हुआ है यहाँ पर, इसके 4 अदद का फ्लूइड निकाल के आपको एक चम्मच सा बन जाएगा, ठीक है। ये आपने एक चम्मच लिया, फिर चने की दाल का पेस्ट एक चम्मच लिया आपने, ठीक है, और फिर आपने आखिरी में गेहूं का पेस्ट लिया है एक चम्मच। अभी देखिए पूरा एक आपका एक एंटी एजिंग पेस्ट बन जाएगा। अच्छा, इसको आप फ्रिज में रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका तरीका वही वाला है, रात में सोने से पहले करना है, मॉर्निंग में बिल्कुल नहीं लगाना है। अच्छा देखिए, एजिंग के ज्यादातर एरियाज होते हैं अंडर द आईज, क्रोस फीट, फ्राउन लाइंस, नेजोलेबियल फोल्ड, नेक, ठीक है ना। तो तकरीबन आप पूरे चेहरे पे लगा सकते हैं इसको, ठीक है, रात में लगाइए। अगेन लगाने से पहले पैच टेस्टिंग जरूर कर लीजिए, जो आपका बहुत जरूरी है। एजिंग का एक और भी है कि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, उससे भी एजिंग का बहुत इफेक्ट है। ये आप लगाइए, आप पैच टेस्टिंग कर लें, अगर उससे कोई इचिंग, बर्निंग या रेडनेस नहीं हो तो आप बिल्कुल लगा सकते हैं इसको, रात में लगाइए। लेकिन इसको लगा के सोना नहीं है, इसको लगा के वही वाली जैसे मैंने पहले ही बताया था, इसके अंदर आधे घंटे बाद प्लेन वाटर से वॉश कर देना है और इसकी बाकी इंग्रीडियंट्स आपकी स्किन में लगे रहेंगे, उसको रब नहीं करना। इसको बिल्कुल जैसे जलेबे पे लगाते हैं ना, लेप कर करके हल्के हल्के करके लगाना, इसको रब नहीं करना, ठीक है, क्योंकि आपके फाइन लाइंस होती हैं, आपकी रिंकल्स होते हैं उसको, क्योंकि हाइड्रेशन भी देगा इसके अंदर दालें, जो विटामिन सी प्रोवाइड करेगा, विटामिन सी इवेंचुअली कोलेजन बन जाता है, तो आपकी स्किन के लिए बहुत मुफीद है, आसान है, और ये बड़ी आसानी से चारों चीजें आप घर में होती हैं, ये आप ले लें। इवनिंग प्रिमरोज बस आप बाजार से खरीद सकते हैं, मैं दोबारा बताया तो ईव प्रो के नाम से है, ईपो प्लस और रोजविल के नाम से ये आपको मार्केट में मिल जाएगा, उसका फ्लूइड लेकर इसका मिक्स कर लीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट। मैं तो कह रही हूं, मतलब जो भी चीजें अलग अलग एक्सपर्ट बता रहे हैं, आप रोज कोई ना कोई ट्राई कर सकते हैं और आपको थोड़ा अंदाजा होगा कि अच्छा इससे तो ये फायदा हो रहा है, इससे तो वो फायदा हो रहा है, इससे तो वो एटलीस्ट आप वन वीक करके दूसरी चीज पे जा सकते हैं। हाय एवरीवन, दिस इज माया अली। सो यू हैव टू सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल ऑफ ARY डिजिटल।